जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने देखा था कि हम एप्पल के एयरबड्स की अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो एप्पल के एयरडॉप्स हैं, तो एयरडॉप्स बोलते हैं, एयरपोर्ट्स बोलते हैं, एयरबड्स बोलते हैं, जो भी आपको बोलना वो आप बोल सकते हो। काम तो सबका एक ही है, वो काम आपको पता ही है इसका काम क्या होता है, तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बता दूं ये क्या है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये लोकल वाले हैं। ओरिजिनल वालों की तो अनबॉक्सिंग आप दुनिया भर की देख ही सकते हो। ये सस्ते वाले हैं, और ये सस्ते कैसे हैं और इनकी क्वालिटी कैसी है, आज हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। तो चलिए जल्दी से इनकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पर डेली लेकर आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, और अनबॉक्सिंग के लिए हम इसको यहाँ पे तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे हैं, कैसी इनकी आवाज़ है, आवाज़ की क्वालिटी मैंने अभी सुन ली है इनकी। सुन के लिए मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने करीब करीब एक महीने से ज़्यादा मेरे को हो गया इनको यूज़ करते हुए, इनको मैं एक महीने से ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और इनकी जो क्वालिटी है वो आपको मैं बताऊँगा। अभी जो ये है, ये पूरा का पूरा देखिए, इस पर देखो एयरपोर्ट लिखा है और इसके ऊपर एप्पल कहीं नहीं लिखा है, ये हमारे चैनल का नाम है, वो मैंने वैसे ही लिख दिया था इसके ऊपर। और उसके अलावा बाकी इस पे पूरा एप्पल के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या है और सारी चीज़ें एप्पल का, एक जगह पे इस पे लोगो है, उसके अलावा कहीं पे एप्पल का कोई लोगो नहीं है, ना कहीं पे लिखा हुआ है कि ये एप्पल की। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि इनकी कहानी क्या है। इनकी कहानी ये है कि ये हैं एप्पल के हैं, क्लोन बोलते हैं इनको, और ये एप्पल के ही बनाए जाते हैं, जो एप्पल कंपनी है उसी के प्रोडक्ट्स हैं ये। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये उन्हीं फैक्ट्री में बनते हैं जिन फैक्ट्रियों में एप्पल के प्रोडक्ट बनते हैं, और इनके ऊपर एप्पल का लेबल नहीं होता, सिर्फ इसलिए सस्ते दिए जाते हैं। कुछ का कहना है कि ये एप्पल की कॉपी है और ये जानबूझ के कॉपी बनाई जाती है बेचने के लिए। मैंने इनका ऑनलाइन प्राइस चेक किया था, ऑनलाइन इनका प्राइस जो है वो 999 भी है कहीं पे, कहीं पे ये 1500 रुपए के भी हैं और कहीं पे ये थोड़े ज्यादा रेट के भी हैं। और मैंने ये ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन परचेज किए थे, एक जान पहचान वाला था उसने ये प्रोडक्ट मेरे को दिया है, और ये प्रोडक्ट मैंने 2000 रुपए में खरीदा है। आप भी इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। ये खरीदा है मैंने, अच्छा है काफी, इससे आवाज वगैरह क्लियरिटी काफी अच्छी है, अगर आपको सुनना है तो चलते फिरते में सुनने के लिए काफी अच्छी चीज है, और 2000 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ, जब थोड़ी कॉलिंग की बात आती है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसकी आवाज़ जो है वो सेट करनी पड़ती है। और अगर आप इसको एप्पल के फ़ोन के अंदर यूज़ करोगे तो आपके सारे ऑप्शंस आएंगे जो एप्पल के फ़ोन के अंदर आते हैं, ईयरबड ओपन होने वाले और ये केस ओपन होने वाले, कितनी बैटरी केस में, कितनी ईयरबड में है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और सारी चीज़ें इसके अंदर ऑन होती हैं। सेम एप्पल का प्रोडक्ट है। उसके बाद जब मैंने इसको एक्चुअल में चेक किया कि एप्पल का प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो मेरे को एक शॉकिंग रिजल्ट मिला। वो शॉकिंग रिजल्ट ये था कि जो ये एप्पल का प्रोडक्ट होता है इसके अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक आईडी लिखी रहती है, कोड लिखा रहता है। आप जब उसको सर्च करने के लिए वो कोड एप्पल की आईडी पे डालते हो तो आपको वहां पे लिखा मिलता है कि जो ये कोड है ये रिजेक्ट हो गया, इसकी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट हमने प्रोवाइड करा दिया। इट मींस ये है कि ये या तो वहां पे जो रिजेक्ट हो जाते हैं माइनर माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से, सॉफ्टवेयर वगैरह की वजह से, या तो ये वो वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं, या ये रिटर्न प्रोडक्ट हो सकते हैं जो रिटर्न आते हैं और जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनके बदले में जब वो नए प्रोडक्ट एप्पल देता है तो इनको डुप्लीकेट में बेच देता है या फिर स्क्रैप में बेचता होगा, जिसको और लोग खरीद के और सस्ते पैसों में लोगों को बेचते हैं। तो अगर लास्ट में सारी बातों के कंक्लूजन पे आए तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको ये 2000 से कम में या 2000 में मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा है, आप यूज कर सकते हो इसको, लेकिन अगर उससे ज्यादा में मिल रहा है तो आप नहीं यूज कर सकते। यूज तो तब भी कर सकते हो, कोई बैन नहीं है, लेकिन अब आप पे डिपेंड है कि आपको खरीदने नहीं खरीदने। अगर आप ऑनलाइन खरीदने जाओगे तो ऑनलाइन का प्राइस आपको पता ही है कि ऑनलाइन का प्राइस कितना है, और अगर आप सस्ते में इसको खरीदोगे तो यही आपके लिए अच्छे हैं। उसके अलावा आप बाकी कंपनीज के भी खरीद सकते हो, मैंने एमआई के भी यूज़ किए हैं, वो भी कुछ खास ज़्यादा अलग नहीं है इनसे। इनकी क्वालिटी और एमआई की क्वालिटी में अगर देखें तो उस हिसाब से यही खरीदने फायदा है। बेशक ये डुप्लीकेट है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी जो है एमआई के जो ईयरबड्स आते हैं 1700-1800 रुपए के आते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इनकी है। और बाकी इनको अगर यूज़ करना तो ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और इनका जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसका कवर भी आता है, आप कवर भी इसका यूज़ कर सकते हो, और बिना कवर के आपको यूज़ करना तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा एप्पल कहीं पे नहीं लिखा है लेकिन एप्पल के बारे में लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना। आई होप आप कंक्लूजन पे पहुंच गए होंगे कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में जो आपको अच्छा लगता है। मेरा काम दोनों ऑप्शन आपके सामने रखने का था, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है, आप उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हो और खरीद सकते हो। मैं ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हो, और ऑफलाइन आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ऐसे प्रोडक्ट्स
भेजता है, क्योंकि डुप्लीकेट ये या इसके अलावा वॉच बहुत सारी चीजें हैं जो लोकल मिलती हैं और जिनको लोग यूज करते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।